नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मैंने यहां पे आज इसलिए आया कि मांडवी पाड़ा यहां पर एक स्वामी दयानंद स्कूल के मालिक गुप्ता जी बोल के हैं, उन्होंने जगह अभी 2-3 साल पहले मतलब लिया है। उसके पहले वहाँ के लोग कुछ बसे थे 10-15 लोग, तो ये स्कूल वालों के सुन के उनके तकरार पर यहाँ पे जो 7.5 साल से 8-10 साल से लोग रहते उनका घर तोड़ा गया, इसलिए मैं महापालिका में आया था। खुद स्कूल अनलीगल बताई जा रहे हैं, यहाँ के लोगों का कहना है स्कूल अनलीगल है, फिर वो दूसरों को कैसे तोड़वा रहे हैं? नहीं, गुप्ता जी का ये स्कूल अनलीगल नहीं है। स्वामी दयानंद स्कूल जो है साइक्रो कॉम्प्लेक्स में जो बना है वो भी अनलीगल है। वहाँ पे एक बंगलो है, बंगलो के माध्यम से उन्होंने ठीक है स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए हमने भी उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो खुद मतलब कांच के घर में रहता हो और वो गरीबों के घर तोड़ता हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं की। पिछले दिनों आयुक्त को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था, वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए तबादला हुआ। अभी नए आयुक्त भी आए हैं डीजी पवार जी, तो क्या आप लग रहा है सब कुछ अभी सुचारू ढंग से चल रहा है? नहीं, अभी डीजी पवार जी ने जब से चार्ज लिया है तभी सब लोग मिलकर, अभी तो फिलहाल में तो ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। लेकिन कुछ अधिकारी अभी भी, जैसे कि प्रभार हमारे अधिकारी, उन्होंने ये जो बांधकाम परिसर तोड़ा, क्यों तोड़ा, उसका स्पष्टीकरण हम मांगने वाली है। अभी आज होली है, 2 दिन त्यौहार है, क्योंकि किसी के पैसे वाले का सुपारी लेके अगर कोई गरीबों को बेघर करता होएगा तो कोई कतई वो अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज तो हम लोग तो 100-200 के माध्यम से आए, और काशी मीरा का इतिहास रहा है कि जब जब किसी ने गरीबों का अन्याय करने की कोशिश की हो, चाहे शिवसेना की बात हो, चाहे राष्ट्रवादी की बात हो, या अभी प्रशासन के अधिकारी की बात हो, कोई अधिकारी का अगर कोई मस्ती करता होगा और पैसे लेके कोई अगर सुपारी लेके काम करता होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये निश्चित। मैं आपको ये विनंती करने के लिए महापौर को मैं आया था। महापौर जी ने और उपायुक्त जी ने आश्वासन दिए, जितने भी खोटे काम कर रहे अभी नए, जहाँ पे जो चाल माफिया है वो बांधकाम करते हैं उसका तोड़ा नहीं जाता है, जो होटल माफिया है उसका बांधकाम तोड़ा नहीं जाता है, और गरीबों के झोपड़े जो 10-15 साल से रहते हैं उनको तोड़ा जाता है, उसका हमारा प्रखर विरोध रहेगा। और यही हम विनंती करने आज पालिका में आए थे। महेंद्र शहरवासियों को यही शुभकामनाएं देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी, उनके नेतृत्व में पूरे शहर में विकास के बहुत काम हो रहे हैं, और CM साहब ने पर्सनली हमारे शहर में ध्यान दिया है, और हमारे महापौर डिंपल मेहता जी, हमारे सभी नगर सेवक ये शहर के विकास के लिए, लोगों के जो जड़ की समस्या है वो समस्या हृदय तक पहुँचने के लिए हमारे नगर सेवक सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में ये शहर का विकास होगा। और जैसे कि रंग लाल पीले नीले ऐसा हरा रंग, मतलब जितने रंगी बिरंगे कलर है वैसे आनंदमय कलर हमारे मीरा भाईंदर शहरवासियों के जीवन में ये 5 साल के अंदर आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।